मकर संक्रांति के पर्व पर बाबा गोरखनाथ के दरबार में खिचड़ी चढ़ाने की क्या कुछ परंपरा है, चलिए आपको दिखाते हैं। आस्था और श्रद्धा का त्योहार, बाबा को भक्तों ने चढ़ाई खिचड़ी, तरी बाबा गोरखनाथ मनोकामना पूर्ण। बाबा गोरखनाथ के दरबार में खिचड़ी चढ़ाने के लिए आज भक्तों का तांता लगा रहा। दूर दराज से लोग मकर संक्रांति के मौके पर बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाना नहीं भूलते। ये एक परंपरा है जो कि त्रेता युग से चली आ रही है। खिचड़ी पर गोरखनाथ मंदिर परिसर में एक महीने तक चलने वाले मेले की शुरुआत होती है, जहां मेले का ये सिलसिला महाशिवरात्रि तक चलता है। यहां खिचड़ी चढ़ाने की शुरुआत सुबह गोरक्षक पीठाधीश्वर करते हैं, उसके बाद खिचड़ी चढ़ाने का ये सिलसिला देर शाम तक चलता रहता है। मान्यता है कि खिचड़ी चढ़ाने वाले भक्तों की हर मनोकामना शिवावतारी गुरु गोरखनाथ पूरी करते हैं। गोरखनाथ के दरबार में मकर संक्रांति पर नेपाल के राज परिवार की ओर से भी खिचड़ी चढ़ाई जाती है। कहा जाता है कि नेपाल के राजा की राजमहल के पास ही गुरु गोरक्षनाथ की गुफा थी। नेपाल नरेश के यहाँ से खिचड़ी आज भी आती है, उनके जन्मदिन पर शुभकामना आता है, उनके दशहरे के अवसर पर आता है, खिचड़ी महापर्व के अवसर पर आता है, खिचड़ी उनका चढ़ता है जरूर, लेकिन ये उनकी प्रतिनिधि ले आते हैं और यहाँ से राज दरबार में प्रसाद भेजा जाता है, महारोड यहाँ के प्रतिनिधि के द्वारा भेजा जाता है। गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा काफी पुरानी है और इस पर कई किद्वंतियां भी प्रचलित हैं। गोरखनाथ मेले में मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी चढ़ाई जाती है, यह खिचड़ी आदिकाल से चढ़ती है। हमारे साथ गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी कमलनाथ जी हैं, उनसे हम जानते हैं कि इसका क्या महत्व है, क्या महत्व है। जोगी कमलनाथ जी बताएं आप। गोरखनाथ जी यहाँ से ज्वाला माई से आए थे, कांगड़ा से, हिमाचल प्रदेश से, वहाँ तो गए थे तो वहाँ तामसी भोजन करेंगे बोला, तो वहाँ तामसी भोजन बनता था। गोरखनाथ जी बोला माई जी की कि आप चूल्हा चेतक करिए, हम भिक्षा मांग भोजन करेंगे, ऐसे भोजन सादे भोजन करेंगे। तो घूमते घूमते आए यहाँ, जंगल देखा, तपस्या करने लग गया, तो खप्पर लेकर आए थे, खप्पर लेकर आया और खप्पर भी उसमें खिचड़ी रखा था खिचड़ी चढ़ाने के लिए, तो भरते गया, उभरा भी नहीं। जब खिचड़ी उसमें से खाली किया, खाली भी नहीं हुआ, सबको बांटा, खाली हो गए, भरे रह गए ऐसे ही। उसके बाद सब जनता ने चढ़ाया, पहले तो राजा चढ़ाता था, उसके महाराजा चढ़ाते हैं, उसके बाद सब जनता चढ़ाते हैं। ये आसान त्रेता युग का है, यहाँ तपस्या गोरखनाथ त्रेता युग में तपस्या किया था, इसी के नाम से गोरखपुर नाम पड़ा है। महाराज जी, ये जो खिचड़ी की मेले की जो पूरी तैयारी है वो किस तरह से पहुँची है, कहाँ पहुँची है? ये तो पूरी तैयारी हो गई, जितना व्यवस्था हुआ तो सब हो गया है, 15 तारीख की खिचड़ी मनाएंगे ही। गुरु के इस तपोस्थली पर खिचड़ी पर्व पर चावल दाल चढ़ाने की जो परंपरा शुरू हुई वो आज तक उसी श्रद्धा उसी आस्था के साथ चल रही है। प्रेम कुमार त्रिपाठी, R9 TV, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो वही मकर संक्रांति के पर्व पर लोग हर जगह घाटों पर स्नान कर रहे हैं। बनारस के घाटों पर लोग संक्रांति के पर्व पर सुबह से स्नान कर रहे हैं, वहीं गाजीपुर में बाजारों में भीड़ देखने को मिल रही है। इस दिन लोग अलग अलग रूपों में तिल, चावल, उड़द की दाल, गुड़ का सेवन करते हैं। गाजीपुर में भी लोग सुबह स्नान करके बाजारों से गुड़ तिल की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। वहीं तीर्थों का राजा कहे जाने वाले प्रयागराज में लोग सुबह 4 बजे से ही स्नान कर रहे हैं। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है, जिससे दूर दूर से लोग यहां आकर कल्पवास करते हैं। यहां लोगों की भीड़ देखते ही बन रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है और इसी दिन से ऋतु बदलने की शुरुआत भी हो जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार भी मकर संक्रांति पर स्नान करना शरीर के लिए लाभकारी होता है। गुड़ 64-50 रुपया 40-45 जैसे गुड़ सा दाम, तिलवा 60-55 रुपया 50 बिक रहा है। नहीं, यही रेट ही है, जो ढेर लेता है 1 रुपया किलो पर इनकम पद में देता है। कौन कौन सा आइटम है, तिल से बने हुआ कौन कौन सा सामान है?
तिल से तिलवा है, तिलकुट है, गजट है और पाकिट वाला गजट है। इससे बहुत अंतर, महंगाई बहुत हो गया है। पहले हम लोग 50 के लिए आते थे तिलवा बेचते रहे, अब किस 70 के बेच रहे हैं। पहले सब घर पर निर्माण होता था, मोहम्मदाबाद से पहले घर पर बनता था, मोहम्मदाबाद से हम लोग बिक्री लेकर आते। मिश्र बाजार में हम लोग लाई तिलवा चूरा खरीद रहे हैं और लाई कई रेट के हैं, कहीं कैसे हैं कुछ जानकारी बताइए। हाँ, 50 रुपये किलो भी लाई है, 45 रुपये अभी है। इस समय तिलवा 70 रुपया मिल रहे हैं, कहीं 80 रुपये के भाव मिल रहे हैं, कहीं 65 के भाव मिल रहे हैं।